ये देखिए, इस पे मैं कितना भी फोर्स लगा रहा हूँ तो ये उतना फ्री नहीं घूम रहा है, ठीक है ना। तो ये पुल्ली मेरा सही है, लेकिन ये वाला पुल्ली है ना कुछ थोड़ा सा ज्यादा फ्री हो गया, और इसी की वजह से गाड़ी में जो चिक चिक का साउंड है ना वो आता है। तो इसमें अभी हम ग्रीसिंग करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इसको ग्रीसिंग करना है, ठीक है ना। ये देखिए कितना फ्री है, आप देख सकते हैं मैंने इसमें पहले भी ग्रीसिंग किया हुआ था। आपको भी इसी तरीके से क्लीन कर लेना है, ठीक है ना, और इसको ब्रश से क्लीन कर लीजिए एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बाद हमें इसमें ग्रीस भरना है, ठीक है, पूरा अंदर भर देना अच्छे से, चार पांच बार घुमाना है, फिर इसमें ग्रीस अच्छे से टाइट करना है, फिर इसको घुमाना है, फिर ग्रीस भरना है। और जब ये टाइट हो जाए उसके बाद आपको यहाँ से देख सकते हो थोड़ा सा ज्यादा ग्रीस भर के ये जो कैप है ना इसको ऊपर से प्रेस करके फिट करना है, ठीक है। उसके बाद हम ये जो कवर है इसको अच्छे से फिट करेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने पूरे अच्छे तरीके से इसको क्लीन करके फिट कर दिया, आप देख सकते हैं कितना टाइट हो चुका है ये व्हील। देखिए आप देख सकते हैं जरा सा भी फ्री नहीं घूम रहा है, ठीक है ना। तो आपका व्हील इसी तरीके का होना चाहिए, ठीक है ना। अगर वो फ्री घूम रहा है पूरा तो गाड़ी में चिकचिक का साउंड आने का चांस रहता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना प्यारा आवाज आ रहा है गाड़ी पे, और किसी तरीके का चिकचिक वाला साउंड नहीं है, और देख सकते हैं बेल्ट भी प्रॉपर तरीके से घूम रहा है, आप देख सकते हैं सारा पे। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, और कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए, थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।